वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सुपर सीड एंड फर्स्ट कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स। कोकोनट सीड्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू वाटर, यू हैव टू फिल वाटर। सेकेंड, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। थर्ड इज सीड्स नीड वाटर एयर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। सीड्स को वाटर एयर और वार्मथ गर्मी की ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए। सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स। सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, अनियंस कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम्स। मैंने फिल नहीं किया यहाँ पे, तो इसमें आपको फिल करना होगा। अंडरग्राउंड स्टेम्स, अनियंस कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम्स। मैच द फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। सी, सी में मैच होगा। जर्मिनेशन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। एस्टोमेटा, टीनी पोर्स अंडर द सर्फेस ऑफ लीव्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मैच द फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट इज चूज फ्रॉम द फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रेजेस दिए हैं, उनको आपको प्रॉपर प्लेस पर फिल करना है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। और उसके नीचे लीव्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करता है। और लीव्स, थर्ड हियर, लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू एस्टोमेटा। एस्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। तो ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको प्रॉपर प्लेस पे फिल करना है यहाँ पे। तो इस तरह से फिल करने पे आपको प्रोसेस पता चलेगी फोटोसिंथेसिस की, इन विच स्टार्च एंड ग्लूकोज आर प्रोड्यूस्ड। आफ्टर दैट सेक्शन डी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट। देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। Seeds that are divided into two parts under their seed coat are known as dicot, while that, sorry, here is written, while seeds, you have to read that two time likha hua hai, to wahan pe aapko likhna, while seeds that are one under their covering are known as monocot. Seeds that are divided into two parts under their seed coat are known as dicot, while seeds that are one under their covering are known as monocot. Next question is, what are the conditions required for seed? What are the conditions required for the seed germination? Then answer is here. Seeds need water, air and warmth to germinate. Seeds need water, air and warmth to germinate. Next question is, name a few seeds that are dispersed by wind. ऐसे seeds को आपको name लिखने जो wind के through dispersed होते हैं। Then answer is here, such seeds that are dispersed by wind are cotton, poppy and orchid. Book में दिया हुआ है, वहाँ से लिख सकते हैं ना। तो उसकी एग्जांपल्स कॉटन, पॉपी एंड ऑर्किड हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देन फोटोसिंथेसिस का जो आंसर है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे आप जाएंगे लेट अस रिकॉल में, देन लास्ट से सेकंड, ना बिल्कुल बॉटम से नीचे से जो सेकंड पॉइंट है वो है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन द लीव्स is known as photosynthesis. The process of food preparation in the leaves is known as photosynthesis.
And after that, let's go towards the next question. Now, fifth question, in which part of the plant does transpiration mainly occurs? Then fifth के आंसर आपको इन द लीव्स सिंपली लिख देना है. इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डस्ट ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स? इन द लीव्स, लीव्स में अकर होता है. वट इज ग्राफ्टिंग? और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चैलेंज, इन द चैलेंज देर आर गिवन थ्री क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज ग्राफ्टिंग? देन ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक इन विच टिश्यूज ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, मीन्स टिश्यूज ऑफ सेम प्लांट बट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. टिश्यूज ऑफ अ सेम प्लांट बट डिफरेंट स्पीसीज आर ज्वाइंट टू क्रिएट अ न्यू स्पीसीज ऑफ द सेम प्लांट. ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक in which two species of a plant, tissues of two species of a plant are joined to create a new species of the same plant. Means एक ही प्लांट की टू स्पीसीज के टिश्यूज को ज्वाइंट करते हैं. और टिश्यूज को ऐसे ज्वाइंट करते हैं, उसके निचले पार्ट का दूसरे स्पीसीज का लेते हैं और ऊपर का पार्ट का दूसरे स्पीसीज का लेते हैं. जैसे फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये जो रूट का पार्ट होता है और उसके ऊपर का थोड़ा सा पार्ट ना, वो दूसरी स्पीसीज का, और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो दूसरे स्पीसीज का लेते हैं. तो उनके टिश्यूज अलग होते हैं. और एक ही सेम स्पीसीज का प्लांट हो, सॉरी ये सेम प्लांट होता है, जैसे मैंगो का प्लांट है, मैंगो का ही होगा ना. लेकिन जो स्पीसीज होंगी वो दोनों अलग होंगी. अपर प्लांट जो अपर पार्ट होगा वो दूसरे स्पीसीज का मैंगो रहेगा, और जैसे अगर मैंगो का एग्जांपल लें, और जो नीचे का पार्ट रहेगा वो मैंगो का ही दूसरे स्पीसीज करेगा. उन दोनों के टिश्यूज को ज्वाइंट करते हैं तो एक न्यू टाइप की स्पीसीज क्रिएट होती है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं ना. देन ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक इन विच टू स्पीसीज ऑफ अ प्लांट, टिश्यूज ऑफ टू स्पीसीज, टिश्यूज ऑफ टू स्पीसीज ऑफ अ प्लांट आर ज्वाइन टू क्रिएट अ न्यू स्पीसीज, टू क्रिएट अ न्यू स्पीसीज ऑफ दैट प्लांट, दैट इज नोन एज हाइब्रिड. Then next question is based on this. What do you understand by the term horticulture? And horticulture is technique, is learning and practicing to develop the techniques of growing fruit, vegetables and flowers. Horticulture is a technique of learning and practicing to produce fruits, plants and vegetables. And horticulture जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप लर्न करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, किस चीज़ की? फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को ग्रो करने की टेक्निक को आप सीखते हैं. Then that is horticulture. Next, third question is, what are hybrid seeds? Then जैसे हमने grafting पढ़ा, grafting में मैंने पढ़ा कि दो, एक ही plant की दो species रहेंगी, उनको graft करके, जैसे हिंदी में कलम कहना कहते हैं, वो graft करके new species create की जाती है, और उस new species को hybrid plant कहते हैं, और उस hybrid plant का जो seed होता है उसको hybrid seed कहते हैं. Why are they developed? They are developed so that new species of the plant can be obtained, and if the new species is better than the previous species, then we use them in our daily lives. Means जो new hybrid species मिलती है हमें, अगर वो अच्छी quality की रहती है तो उसको हम use करने लाते हैं ना. और तो ये three questions थे जो कि थोड़े से syllabus set के थे, जिसको इसलिए मैंने आपको आराम से आसानी से समझाने की कोशिश करी. And again, if I want to repeat it,
Then grafting first. Grafting is a technique in which tissues of two species of the same plant. No, grafting is a technique in which tissues of two species of a plant are joined to create a new species is known as grafting. Second is, what do you understand by the term horticulture? Then horticulture is learning and practicing to grow fruit, flowers and vegetables. Fruit, flowers और vegetables को grow करने के लिए, उनको develop करने के लिए, उनको और अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए जो practice है और जो learning है वो horticulture कही जाती है. And horticulture is learning and practicing to grow fruit, vegetables and flowers. Third is, what are hybrid seeds? Why are they developed? Hybrid seeds are the seeds of hybrid plants and they are developed to get favorable results. No? Are advantageous results. Then these were three questions that was important because they are out of syllabus and exercise of this chapter is over now. We will go towards the next chapter in our next video. Thank you.